भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। वो यहाँ 9वीं भारत जापान कूटनीतिक वार्ता में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। अपने समकक्ष से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि जापान और भारत दोनों ही देश आतंकवाद के खात्मे के लिए संयुक्त रूप से काम करने को तैयार हैं। नौवीं भारत जापान कूटनीतिक वार्ता के दौरान सुषमा ने अपने जापानी समकक्ष चारों कोनों से द्विपक्षीय स्तर पर मुलाकात की। सुषमा और कानो के बीच द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच के कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। रेलवे जल्द ही 20,000 अतिरिक्त लोगों की रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा, ये जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी। इससे पहले रेलवे ने 90,000 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस तरह कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1.10 लाख हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, युवाओं के लिए रेलवे में 1.10 लाख नौकरियां, दुनिया का सबसे बड़ा भर्ती अभियान हुआ और बड़ा। और अधिकारियों ने बताया कि रेलवे में विभिन्न पदों के लिए 2 करोड़ से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में 9,000 रिक्तियां हैं। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे पुलिस लोको चालक और तकनीशियनों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। रेलवे पहले ही ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अधिसूचना जारी और आवेदन आमंत्रित कर चुका है। इन पदों के लिए 31 मार्च 2018 को रात्रि 23:59 पर ऑनलाइन आवेदन इस वक्त किया जा सकता है। आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए अधिसूचना मई 2018 में जारी की जाएगी। सीमा पार से घुसपैठ करवाकर भेजे 4 आतंकियों के सुंदरबनी मुठभेड़ में मारे जाने से हताश पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को पुंछ और राजौरी में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी की। इसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया है। भारत ने भी पाक को कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान ने शाम को नौशहरा के लाम और पुंछ के किरनी सेक्टर में अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। पाक सेना ने भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाने के साथ रिहायशी क्षेत्रों पर भी मोर्टार दागी। गोलीबारी में लाम सेक्टर में अग्रिम चौकी पर तैनात नायक टीएस रमन गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारतीय सेना की ओर से पाक को करारा जवाब दिया जा रहा है। देर रात समाचार लिखे जाने तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही थी। इससे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी के सभी राजकीय अभिलेखों में अब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ रामजी जोड़ दिया जाएगा। यूपी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर करने के लिए बुधवार को सभी विभागों और इलाहाबाद लखनऊ की सभी हाईकोर्ट की बेंचों को आदेश दिया है। अफरा तफरी के माहौल के बीच फैजाबाद जिला योजना समिति की बैठक हुई। सांसद लल्लू सिंह की अनुपस्थिति में हुई इस बैठक में जिले के विकास के लिए 3,57 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने योजना को मंजूरी देते हुए बताया कि इस साल विकास के लिए 14 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में 3,43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जो कि इस साल बढ़ाकर 3,57 करोड़ रुपए की गई है। विकास समिति की बैठक का सपा के 21 जिला पंचायत सदस्यों ने बहिष्कार किया। करनाल के कृष्णा मंदिर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2019 चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कार्यकर्ताओं को मैदानी जंग में तैयार रहने को कहा है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर सभी पूरी तरह की तैयारियां कर ली हैं। सीएम ने कहा कि एक साल बाद लोकसभा और उसके 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम तैयार हैं। हम कभी अपने घोड़े बांधते नहीं, हमारे घोड़े हमेशा तैयार रहते हैं।
विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दे खोजने के लिए तड़प रहा है। कभी एसवाईएल तो कभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और काम किए हैं। तो वहीं करनाल के को पायलट बेटी की शहादत पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी दी जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने नीलोखेड़ी तहसील परिसर में बनने वाले अंत्योदय सरल केंद्र का निरीक्षण किया। छुट्टी होने के बाद भी सीएम के अचानक पहुंचने से तहसील कार्यालय के अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ जिला उपायुक्त आदित्य दहिया भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त आदित्य दहिया ने सीएम से स्टाफ की समस्या के बारे में कहा तो सीएम ने डेप्यूटेशन पर स्टाफ रखकर अंत्योदय केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के आदेश दिए। दरअसल सीएम ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि अप्रैल महीने से प्रदेश के हर ब्लॉक में अंत्योदय केंद्र खोले जाएंगे और एक ही छत के नीचे जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लोहारू अनाज मंडी में व्यापारियों को संबोधित करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि 8 अप्रैल को रोहतक में होने वाला व्यापारी सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। इस सम्मेलन के जरिए सीएम मनोहर लाल व्यापारियों को सौगात देंगे। एक सप्ताह के अंदर सभी हलके से बाकी मांगे मांगी गई। ग्रोवर ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के हितों के कल्याण के लिए तत्पर है, इसलिए हरियाणा में व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। सरसों खरीद पर बोलते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तय रेट पर 54,000 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। 2,70,000 क्विंटल सरसों खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा है। जींद में सर्वजातीय सर्वखाप ने राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में सभी वर्गों के लोगों ने शामिल होकर प्रदेश के भाईचारे को एकजुट रखने का संकल्प लिया। वहीं दौरान डीपी वत्स ने खुलकर खापों का समर्थन किया और पाक बॉर्डर पर हो रही आतंकी घटनाओं पर वत्स ने कहा कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याएं वहां की जनता का ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पर गोलियां चलवा रहा है। वहीं सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खापों के प्रति चाहे कोई भी फैसला सुनाया हो लेकिन खापे कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में रही है, जातिवाद का भी विरोध किया है और खापों ने सामाजिक ताने बाने के तहत बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। जेपी वत्स ने कहा कि अब राज्यसभा में जाकर खापों के प्रति राज्यसभा को भी जागरूक करेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडिया में खापों की गलत छवि पेश की गई। चरखी दादरी में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। मीडिया कर्मी इसके लिए कई वर्षों से मांग उठा रहे हैं। खंड विकास कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन बाढ़डा से भाजपा विधायक सुखमित्र मांझी ने सीटीएम मनीष फोगाट ने किया। उद्घाटन के बाद विधायक मांझी ने कहा कि मीडिया कर्मी अपने एक निश्चित स्थान पर अपने कार्यों को अंजाम दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि केवल चरखी दादरी में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में मीडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों के हितों को देखते हुए प्रदेश सरकार पेंशन और बीमा योजना सहित अनेक घोषणाएं कर नए आयाम स्थापित कर रही है। हरियाणा स्थित सोनीपत की एक समाजसेवी महिला ने गुरुग्राम के कांग्रेस पदाधिकारी और उसके साथी पर उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने और छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के अनुसार कांग्रेसी नेता पिछले 2.5 साल से उसे प्रताड़ित कर रहा था जिसके चलते उसके पति ने उसे छोड़ दिया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 354, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कैथल में SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रपति के नाम पर DC को ज्ञापन सौंपेगी। इस मौके पर पार्टी के ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। वहीं प्रदर्शन के दौरान दलित समाज की ओर से MP और MLA के पुतले फूंके जाएंगे। बता दें कि दलित समाज की ओर से 2 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया गया है और तब तक धरने पर रहने की बात भी कही गई है।
जींद के कई सेक्टरों में डेढ़ साल से टूटी सड़कों के गड्ढों में फूल के पौधे लगाकर आम लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। इस दौरान सरकार पर सेक्टरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें तब्दील हो चुकी हैं, जिससे यहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रमोद सहवाग ने कहा कि कांग्रेसी बार बार शासन प्रशासन को याद दिलाते रहेंगे कि आमजन के हित में सड़कों की रिपेयर की जाए, तो वहीं मौके पर जब कांग्रेसी कार्यकर्ता गड्ढों में पौधे लगा रहे थे तो उस दौरान नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स का काफिला गुजर रहा था। इस दौरान कांग्रेसियों ने डीपी वत्स की गाड़ी को रुकवाते हुए उन्हें भी सेक्टरों की सड़कों के गड्ढे दिखाए। पानीपत देवी मंदिर के पास ट्यूशन पढ़कर वापस जा रही छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां लड़की से छेड़खानी कर रहे मंचले को राहगीर ने जमकर पीटा। उसके बाद मौके पर पहुंचे लड़की के भाइयों ने भी मंचले को पीटा तो वो माफी मांगने लगा। माफी मांगने के बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन लड़की को बचाने वाले राहगीर का कहना है कि वो लड़की को छेड़ रहा था, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। रोहतक में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को रोड पर गलत दिशा से कार लेकर आ रहे एक शख्स को रोकना महंगा पड़ गया। रोहतक में भिवानी स्टैंड की यह घटना है, जहां पर कार को रोकने पुलिस का भारी पड़ा और गलत दिशा में आ रही कार चालक ने पुलिस के साथ बदसलूकी की और मारपीट की। इतना ही नहीं, कार चालक ने अपनी पत्नी को फोन कर मौके पर बुलाया और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने को कहा, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया गैंगरेप और हत्या मामले में सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा था, जिसके बाद सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश की। दरअसल चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा ने सीबीआई को 25 अप्रैल तक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। वहीं चीफ जस्टिस ने सीबीआई निदेशक को 9 मई को तलब किया। बता दें कि अब पेश की गई रिपोर्ट में सीबीआई ने 25 अप्रैल से पहले ही कातिलों को बेनकाब करने के लिए कहा है। खबरों के मुताबिक सीबीआई जल्द ही आरोपियों के नाम सार्वजनिक करेगी। हिमाचल में जयराम सरकार की तरफ से 9 मार्च को पेश किए गए बजट को गुरुवार को सदन में पारित किया गया। पिछले कई दिनों से बजट पर चर्चा हो रही थी। सीएम ने बजट को पास करने के लिए सदन में रखा, जिससे बहुमत से बजट को पारित कर दिया गया। विपक्ष की मौजूदगी में ही ये बजट पारित किया गया। सीएम ने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया है। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने बजट को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनका पहला बजट था जिस पर विस्तार पर चर्चा हुई। बजट को लेकर सभी विधायकों ने सुझाव दिए। सीएम ने बजट पारित करने को लेकर सभी विधायकों का आभार जताया। उधर विपक्ष ने जयराम सरकार के बजट को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट पास हुआ, लेकिन हमने बजट पर चर्चा से समय कई मुद्दे उठाए। बजट में कई कमियां हैं, जिनका हम शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में बजट पारित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। हिमाचल प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता और सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष के विदेश दौरे की जांच की जाएगी। अगर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष विभाग से इजाजत लिए बिना विदेश दौरे पर गए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि बैंक में ऋण देने की बात भी जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बैंक के अध्यक्ष थाईलैंड, यूके और रूस के दौरे पर गए हैं। मंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश पठानिया के अनुपूरक सवाल के जवाब में ये बातें कही। हमीरपुर जिले की पिछड़ी पंचायत कश्मीर के विकास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायत के विकास के लिए योजना बनाकर लाखों रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इसके लिए डीसी राकेश प्रजापति ने कश्मीर पंचायत का दौरा कर लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए लाखों रुपए के बजट की घोषणा की। इस मौके पर ग्रामीणों ने विकास कार्यों की घोषणा करने पर डीसी का आभार जताया।
चंबा जिले के सुखदार हिमगिरी में 25 अवैध दुकानों पर प्रशासन का डंडा चला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक इन अवैध दुकानों को उखाड़ना था, जिसके लिए तीसा के एसडीएम ने एक कमेटी गठित की। कमेटी में अवैध दुकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाने का प्रयास किया गया। वहीं कुछ लोगों ने अपना सामान निकाल लिया था, लेकिन कुछ लोग सामान नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने जबरदस्ती कुछ लोगों की दुकानों और सामान को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कई दुकानदार कई सालों से बैंक लोन लेकर दुकानों को चला रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार प्रशासन ने दुकानों को गिरा दिया, जिससे कई परिवारों के सपने तो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। जागो ग्राहक जागो मुहिम के तहत हमीरपुर जिला प्रशासन ने अच्छा काम करने वाले डिपो धारकों को सम्मानित किया। हमीरपुर में करीब एक दर्जन डिपो धारकों को उपायुक्त राकेश प्रजापति ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जागो ग्राहक जागो मुहिम के लिए लोगों को सम्मानित करने से उनमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो वहीं सम्मानित होने के बाद डिपो होल्डर मुकेश ने खुशी जाहिर की और उपायुक्त का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह काम करेंगे। सोलन में एक निर्माणाधीन भवन में लिफ्ट लगाई गई, जिसकी जिम्मेदारी एक दिव्यांग युवक को ऑपरेटर के तौर पर सौंपी गई थी। जिम्मेदारी निभाते निभाते युवक एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। जब वो लिफ्ट में पांचवी मंजिल पर लोगों को लेने पहुंचा तो अचानक बिजली जाने की वजह से वो लिफ्ट में ही फंस गया। करीब 25 मिनट तक गर्मी के मौसम में लिफ्ट में फंसा रहा। जब कर्मचारियों को इस बात का पता चला तो वो लिफ्ट के बाहर से युवक को दिलासा देते रहे। फिलहाल अभी इस लिफ्ट का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल में ही इस तरह की घटना सामने आई है। इस लिफ्ट का रखरखाव करने वाले बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर अनिल ठाकुर ने बताया कि अभी इस लिफ्ट का ट्रायल चल रहा है। इस घटना से जो त्रुटियां सामने आई हैं उन्हें लिफ्ट बनाने वाली कंपनी के समक्ष रखा जाएगा और लिफ्ट में सुधार करवाया जाएगा। सोलन के राजस्व विभाग में लोगों को काम करवाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। लोग दूर दूर से राजस्व से जुड़े कार्यों को करवाने कोटला नाला में स्थित तहसील में कार्य करवाने आते हैं, लेकिन यहां पर आने वाले लोगों को तहसील में अधिकारी और कर्मचारी या पटवारी कोई भी मौके पर नहीं मिलता, जिससे उनको हताश होकर यहाँ से मजबूर होकर वापस लौटना पड़ता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उपायुक्त सोलन में अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी लताड़ भी लगाई गई थी और वो तहसील में बैठाकर बावजूद इसके ऐसा लगता है कि मानो अधिकारियों पर उस लताड़ का कोई असर नहीं पड़ा है और जिसका खामियाजा जिला सोलन वासियों को भुगतना पड़ रहा है। यूपी के पल्लवपुरम में ठगी का धंधा चलाने वाली लेडी डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये लेडी डॉन महंगी गाड़ियों का लाल और नीली बत्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का काम करती थी। इसकी पहचान मोहिनी वर्मा के रूप में की गई है। लेडी डॉन किसी को फ्लैट दिलाने के नाम पर तो किसी को नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी किया करती थी। हैरानी की बात तो ये है कि जब नोएडा में 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया तो इस लेडी डॉन के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया। बता दें कि इस ठगी के काम में महिला के पति और बेटे भी शामिल थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। यूपी के कन्नौज में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक कार में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की। तो वहीं जब पुलिस ने एक गाड़ी को चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। दरअसल ये शराब अरुणाचल प्रदेश से लाकर यहां बेची जानी थी। फिलहाल पुलिस ने अवैध शराब की पेटियों समेत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आईसीआईसीआई बैंक पर के ऊपर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा, रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण आईसीआईसीआई बैंक पर 26 मार्च के एक आदेश के तहत 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह कदम नियामकीय प्रावधान का पालन नहीं करने पर उठाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों की व्यवहारिकता के समय के बारे में गलतफहमी के कारण नियमों का उल्लंघन हुआ है।